हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम लोग कंपेयर करने वाले हैं गैलेक्सी बड 2 और वन प्लस की जो ईयरबड है उसके साथ में। तो आज का वीडियो बनाने का मेन कंसर्न यही है कि इसका एग्जैक्टली इस दोनों ईयरबड्स का कंपैरिजन में हम लोग करेंगे और देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस रिस्पेक्ट में जो है वो कौन सा मतलब ठीक है, प्लस बैटरी बैकअप किसका अच्छा है, ठीक है। और बाकी जो भी मतलब प्रोडक्ट का जो ओवरव्यू और फिजिकल स्पेसिफिकेशन वो सब भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टेक्निकल डिटेल और जो भी स्पेसिफिकेशन है वो तो आप लोग गूगल करके पता कर ही सकते हैं। तो आज का जो मेन कंसर्न रहेगा कि एग्जैक्टली यूज करने में कैसा है, कौन सा ज्यादा हैंडी है, ठीक है, और प्लस कौन कितना देर का बैकअप देता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक अगेन। और आज का वीडियो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये कंपेरिजन है। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ये दोनों ऑलरेडी मेरा यूज किया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो सैमसंग गैलेक्सी बड 2 है, इसे मैंने ऑल नियर अबाउट 2 to 3 weeks यूज किया है। और ये जो वन प्लस का बड है, ये मेरा मैंने ऑलरेडी नियर अबाउट जो है वो मोर देन 8 to 9 months नियर अबाउट 1 year इसको यूज किया, ठीक है। दोनों का काम बस यही है कि TWS दोनों सपोर्ट करता है और दोनों एक बहुत ही अच्छा ईयरबड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल देखते हैं। तो ये दोनों का बॉक्स है, ठीक है। आप बॉक्स देख सकते हैं, ऐसा बॉक्स आता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर ये दोनों ईयरबड होते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या रहता है भाई, ठीक है। इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो बॉक्स के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ये जो है ये मैनुअल मिलेगा, मैनुअल बुक, ठीक है। मैनुअल बुक के साथ इसके अंदर ये बड रहता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका ये इस तरह से केबल और ये आपके एक्स्ट्रा ईयर टिप्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है सैमसंग में इतना ही आता है। वन प्लस में क्या रहता है भाई, तो वन प्लस में देख लेते हैं। वन प्लस में आपका जो है ये बॉक्स होता है, बॉक्स के साथ आपको ये एक और एक्स्ट्रा बॉक्स मिलता है इसमें, ठीक है। बड्स फॉर लाइफ यहाँ पे लिखा रहता है। इसके अंदर देखेंगे तो आपको एक ये रेड केबल कार्ड मिलेगा और कुछ यूजर्स मैनुअल मिलेंगे। यूजर्स मैनुअल के साथ साथ जब आप इसको अंदर एक और जब आप निकालोगे इसे, तो इसके अंदर आपको एक केबल मिलेगा, ठीक है। ये इसके अंदर आता है, ये इतना सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साइड करते हैं। ये सैमसंग का है और इसके अंदर क्या रहता है भाई, ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से आता है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा जो है ईयर के बड्स है, ठीक है। तो इस तरह से पैकिंग में ही आता है, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं साइड में, ठीक है। साइड में करने के बाद जो है हम लोग थोड़ा बहुत इसको देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है कैसा और ये कैसा इसका परफॉर्मेंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको जो है एक मिनट, यस लाइक दैट, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे ये पैक हो गया और ये आपका जो है इधर पैक हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बॉक्स को अब करते हैं हम लोग साइड में, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये है आपका ईयरबड, ठीक है। तो दोनों का फिजिकल ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका स्क्वायर टाइप का होता है, ये आपका थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का है, ठीक है। तो इसे जब आप ओपन करोगे तो ऐसा कुछ लुक दिखेगा। और ये जब आप वन प्लस का बड को ओपन करोगे तो ये टोटली ब्लैक है, ठीक है। ये दो कलर में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो आई थिंक इसे यूज नहीं कर रहा, तो ये चार्ज नहीं है, ठीक है। जब ये चार्ज रहेगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, ठीक है, कि ये यूज ये जो है मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे मैं प्ले मतलब प्लग करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये यूज होता है, ये ऑलरेडी मेरा रनेबल है, इसे जब मैं लगाऊंगा तो ये चार्ज होगा, ठीक है, लाइक दैट। और इसका भी सेम कंडीशन है, इसमें भी टाइप सी आता है। टाइप सी में यहाँ भी जो इसको भी जब लगाएंगे तो ये रेड कलर के यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे आपको जलेगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ ये चार्ज हो रहा है। तो लगभग फंक्शनलिटी सेम है जो नॉर्मल TWS जो बर्ड आते हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब इसमें दोनों में फीचर क्या है, देखिए ये सैमसंग का है, ठीक है। सैमसंग का गैलेक्सी बर्ड 2 है, ये वन प्लस का है, ठीक है। तो इस दोनों जो है ट्रू TWS सपोर्ट करता है, ठीक है। दोनों में जो है नॉइस कैंसिलेशन जो है वो भी अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस का, ठीक है। वन प्लस को जब आप ओपन करोगे तो ये देखोगे ये इसका एक आपका लेफ्ट है राइट है, ठीक है। इसके ड्राइवर्स जो है थोड़े बड़े हैं आपके सैमसंग से। अगर हम लोग सैमसंग का देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो इसके जो फिजिकल ड्राइवर है वो थोड़े से बड़े हैं आपके, ठीक है, सैमसंग से, ठीक है। और बैटरी बैकअप जो है इसका वन प्लस का ज्यादा है सैमसंग के रिस्पेक्ट में। ये नियर अबाउट 8 to 10 hours जो आराम से चल जाता है, लेकिन ये एग्जैक्टली 7 hours चलता है। 6.5 to 7 hours ये चल पाता है, ठीक है। 6.5 to 7 hours ये बड चलता है। फिर से आपको इसको यहाँ पे रखना पड़ता है, फिर से ये चार्ज होता है, फिर से आप 6 to 7 hours इसको प्ले कर सकते हैं। और ये जो है नियर अबाउट 8 to 10 hours ये आराम से चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल रनिंग बैटरी कैपेसिटी, ठीक है। अभी जो है
इस केस के अंदर भी एक बैटरी होता है, हम लोगों को पता है ये केस खुद से चार्ज होता है, तो पहले ये चार्ज होता है फिर ये जो केस है इस बर्ड को चार्ज करता है। तो ये जो केस है ये खुद जो है सैमसंग का जो केस है ये नियर अबाउट 8 to 10 आवर का बैकअप देता है, और ये जो है ये 10 to 12 आवर का बैकअप देता है। तो वन प्लस जो है आपका चार्जिंग के मामले में और बैकअप के मामले में ये थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, सैमसंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कि TWS किसका अच्छा भाई, तो TWS दोनों का अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी टू कनेक्ट है। मतलब आप ऐसे बॉक्स ओपन करोगे, अगर आपका फोन पेयर है, ब्लूटूथ ऑन है, ये फटाक से कनेक्ट हो जाता है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, चाहे वो सैमसंग का फोन हो या कोई अदर फोन हो, सैमसंग के बड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम जो है वन प्लस का जो फोन है, ठीक है, सॉरी वन प्लस का जो बड है ये भी आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ बहुत ही इजिली कनेक्ट हो जाता है, बस आपको वन टाइम पेयर करना है। और सेम सिचुएशन आपका सैमसंग के बड के साथ भी है, ठीक है, तो इसके आप एक बार पेयर करोगे उसके बाद ये जो है इजिली कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है, बैटरी बैकअप के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब दोनों का फिजिकल आप जब देखोगे तो जो सैमसंग का जो गैलेक्सी बड 2 है वो थोड़ा सा हैंडी है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट वेट है, ठीक है, और ये हाथों में और पैकेट में पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो वन प्लस का जो है, वन प्लस का जो बड है ये थोड़ा सा वेट में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और ये पैकेट में भी रखने में पता चलता है कि नहीं मैं एक बर्ड कैरी कर रहा हूं, लेकिन इसे कैरी करने में मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, मैं इसे नॉर्मल पैकेट में फोन के साथ ही कैरी करता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे कैरी करता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है मेरे पैकेट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन अच्छा किसका काम करता है। तो नॉइस कैंसिलेशन जो है वन प्लस का अच्छा काम करता है सैमसंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सैमसंग का हर चीज बैलेंस्ड है, चाहे वो नॉइस कैंसिलेशन हो, साउंड हो, ठीक है, ट्रेबल हो, बास हो, ठीक हो, इको हो, वोकल हो, वो सारा बैलेंस्ड है। ठीक है, जबकि वन प्लस में आपका थोड़ा लाउड मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आप, अगर वो आपके लाउडनेस पे डिपेंड करता है आप कितना लाउडनेस जो है वो मतलब बर्दाश्त कर सकते हो, तो वन प्लस का जो बड है वो उतना बैलेंस नहीं है। बैलेंस इन द सेंस कि आपको काफी लाउड जो है वो म्यूजिक प्रोवाइड करेगा, लेकिन सैमसंग का जो है वो आपके ईयर के केयर को देखते हुए इसमें हर चीज बैलेंस्ड है। ठीक है, अभी सैमसंग में एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलता है भाई, तो इसका सैमसंग का एक ऐप है जिसके थ्रू जब आप इस बर्ड को कनेक्ट करोगे तो इसमें एक फीचर है 3D और लाइव का ऐसा कुछ करके एक फीचर है। ठीक है, तो उस फीचर को जब आप यूज करोगे और जब आप मान लो वीडियो देख रहे हो तो ऑटोमेटिक जो है वो डॉल्बी इनेबल हो जाता है। ठीक है, और आपको पूरा रियल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको हेडफोन में। ठीक है, जो कि आपको बॉस और बॉस के जो हेडफोन जो है, जो कि आपके 25-30 thousand के जो हेडफोन आते हैं, वो जो एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको इसमें, ठीक है, ये जो है उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल सा है भाई, नॉर्मल इक्वलाइजर आपका सपोर्ट करता है, अगर आपके फोन में इक्वलाइजर है वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसे मैंने वन प्लस के साथ भी यूज किया था तो नॉर्मल क्लैरिटी है। ठीक है, आपको नॉइस इसमें आपको नहीं मिलेगा, इन द सेंस कि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको जो है वो साउंड में नॉइस आएगा, नहीं। ठीक है, इसका TWS भी अच्छा काम करता है, इसका नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा सा लाउड है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लाउड मिलेगा, इसका माइक भी अच्छा है। ठीक है, और कभी कभी ये जो है वो नॉइस कैंसिलेशन जो है कभी कभी उतना अच्छे से काम नहीं करता, कभी कभी मे बी बैटरी जब डाउन होता है या फिर और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। हाँ, भीड़ भीड़ में कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बाहर का आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वो जनरली होता है, मतलब ट्रेन में या फिर प्लेन का आवाज आ रहा है तो आपको लाइटली फील होगा कि हाँ मुझे बाहर का नॉइस आ रहा है। ठीक है, म्यूजिक एक्सपीरियंस इसका अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड ईयरबड देख रहे हैं तो सैमसंग से अच्छा कोई नहीं है। इसमें हर चीज बैलेंस्ड है, चाहे वो बास हो, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो ट्रेबल हो। ठीक है, और इसका सबसे मस्त एक्सपीरियंस तब आता है जब आप फोन पे, ठीक है, आप फोन पे जब आप एक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आप प्ले करते के साथ ही ये सेंसर जो है कैमरा और जो आयर सेंसर है वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके ये तो सडनली जो है 3D को इनेबल कर देता है, तो थोड़ा बहुत 3D एक्सपीरियंस आपको मिलता है सैमसंग में। ठीक है, अब प्राइस की बात करते हैं तो ये 5000 के लगभग में आपको नॉर्मल डेज में भी मिल जाएगा, ऑफर ऑफर लगा के 400-500 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये जो है इसका स्टार्टिंग प्राइस 11 something यानी 12000 के लगभग का आता है। ठीक है, 12000 इसका ऐसे जनरल सेलिंग प्राइस है, आपको नॉर्मल डेज में आपको ये 12000 का दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कभी कभी ये 6500-7000, ठीक है, 8000-9000 इस तरह का आपको प्राइस इसको सैमसंग का मिलेगा। और इसका जो प्राइस है वो इस बॉक्स के कलर पे भी डिपेंड करता है, ये बात भी याद रखना है। तो जो व्हाइट वाला है वो हमेशा सबसे कम मिलता है, बाकी जो कलर्स इसके 3-4 कलर्स वेरियंट्स ऑलरेडी है
तो वो जो सारे कलर्स है वो थोड़ा सा आपको महंगे मिलेंगे, तो व्हाइट हमेशा सस्ता मिलता है। ये मेरे को 6000 का पड़ा था, यानी 599 का पड़ा था, ठीक है। और ये बड मैंने 499 का लिया था, ठीक है। ये ऑफर में लिया था, ये बात याद रखना, ये ऑफर में लिया था, ठीक है। ऑफर में जो समर का सेल चला था उसमें मैंने लिया था, ठीक है, तब मेरे को उतना पड़ा था। नॉर्मल डेज में अगर मैं ले जाऊंगा मेरे को 8 से 9 हजार का ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस हमेशा उतना ही रहता है, ठीक है। और इसका नॉर्मल डेज में आपका प्राइस जो है 5000 का पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जनरली आज तक कभी ऐसा कुछ ऑफर आया नहीं है, ठीक है, वन प्लस के बड में। मैं इसको लास्ट वन और हाफ एन ईयर से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है अभी तक ऐसा कुछ ऑफर आया नहीं है। तो ये मेरे को 4500 का पड़ा था, यानी 4499 का पड़ा था, ठीक है। तो ये मैंने प्राइस के बारे में बता दिया है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस भी बता दिया है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए वन प्लस के बड को अगर आप यूज करोगे, ठीक है, तो आप 2 से 3 घंटे यूज करने के बाद आपको ये फील होगा कि आपके ईयर में कुछ है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा हैवीनेस फील होगा और 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे उतारने में मजबूर हो जाओगे, यानी 2 से 3 घंटे से ज्यादा आप इसको वेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन यही अपोजिट है सैमसंग के साथ। सैमसंग का बर्ड मैंने नियर अबाउट 8 to 10 आवर मैंने अपनी जर्नी में इसको यूज किया है, ठीक है, विदाउट मतलब बिना इससे निकाले हुए, ठीक है। मतलब जब तक इसका बैटरी 100% से 10% तक नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक मैंने इसको यूज किया और ये काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इसके यूज करने से कभी मेरे ईयर में पेन या फिर बर्डन मुझे को फील नहीं हुआ कि इसे मुझे उतारना चाहिए। तो ये था बस एक नॉर्मल यूजर एक्सपीरियंस और कंपैरिजन बिटवीन वन प्लस का बर्ड जेट 2 का और सैमसंग गैलेक्सी बर्ड 2 का, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इन माय चैनल अगर आपको कोई सजेशन हो, ठीक है, आपका अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो। और इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस दोनों बर्ड के रिगार्डिंग अगर आपका कुछ सजेशन, क्वेरी या फिर कुछ भी है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तब तक चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।